शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन VCN न्यूज को YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शेर जब शिकार करता है तो शिकार छोड़कर कहीं नहीं जाता, उसके आसपास ही शेर को पाया जाता है, लेकिन सांबर के शरीर में अन्य कोई जख्म नहीं है। सांबर के गर्दन के पास एक घाव दिखाई दिया जा रहा है जहां से खून बह रहा था, इसे शिकारी टोली सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आगे की कार्रवाई FDCM के डिपो विभागीय व्यवस्थापक सर्पे और सहायक व्यवस्थापक संजय नंदनवार के मार्गदर्शन में क्षेत्र सहायक RA कदम के पंचनामा बनाया। कदम ने बताया कि वैद्यकीय चिकित्सक द्वारा शव विच्छेदन प्रक्रिया उपरांत ही सांभर की मौत की सच्चाई सामने आना है, पश्चात सांभर के मृत शरीर को जला दिया जाएगा। सकाळी माहिती कळाली, सकाळी आल्यानंतर आम्ही पाहणी केली, पाहणी केल्यानंतर वरिष्ठांना कळविलं आणि सदर जागेची पाहणी केल्यानंतर मग पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि पोस्टमॉर्टम नंतर जी काही माहिती त्याच्यानंतर माहिती कळण किलिंग झाली किंवा मग काय झालेलं। सध्या तर त्याच्या मानेवर जखम दिसत आहे, हे काल रात्रीची घटना असेल। आता सध्या डॉक्टर साहेबाला पाचारण केलेलं आहे, ते आल्यानंतर पोस्टमॉर्टम होईल, त्याच्यानंतर माहिती मग कळण त्याच्यानंतर काय झालेलं। मानेवर जखमीवरून दिसत आहे आता की टायगर किलिंग वगैरे असू शकतो मानेवरच्या जखमीवरून। जलाएंगे। बल्लारशाह से NBC न्यूज के लिए कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।